सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो डॉट कॉम जी काउंसलिंग छा थींदी आहे? अच त ॿुधाए, को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो डॉट कॉम जी वेबसाइट ते हिक ॿिए जो प्रोफाइल पसंद कनि था ऐं जे ॻाल्हाइण में हिचकिचाइनि था त रिश्तो डॉट कॉम हुननि जी मीटिंग कराए ॻाल्हि ॿोल खे अॻियां वधाईंदा आहिनि ऐं जे ॻाल्हि ठही त शादी फिक्स। रिश्तो डॉट कॉम, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा की तरफ से शहर के फेरी वालों के लिए 33 जगहों पर हाथ गाड़ी लगाकर व्यवसाय करने की व्यवस्था की आम सूचना प्रकाशित की गई है। जहां पर किसी भी दुकानदार या रहवासी को असुविधा हो रही है तो वे अपनी शिकायतें या सुझाव लिखित में 30 मई 2022 शाम 5 बजे तक मनपा आयुक्त व उपायुक्त कार्यालय को जमा करा सकते हैं। अब हॉकर जोन के कई स्थानों का शहरवासी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं पैनल नंबर 9 में हीरा मैरिज हॉल से सिंदरी सागर इमारत तक के रास्ते को भी दिखाया गया है। इस रास्ते के 200 मीटर तक 67 फेरी वालों को जगह उपलब्ध की जाएगी, जिसका स्थानिक नगर सेविका डिंपल कुमारी ठाकुर जी विरोध कर रही हैं। यह एक रहवासी क्षेत्र है जहां कई बड़ी इमारतें हैं और इन इमारतों के नीचे कई दुकानें हैं। यह 40 फीट की सड़क है। पूर्व नगर सेविका डिंपल कुमारी ठाकुर जी ने बताया कि यह रास्ता हमेशा से ही व्यस्त रास्ता होता है। स्थानिक इमारतवासी और दुकानदारों का कहना है कि वे हॉकर्स को वहां किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे। स्थानिक नगर सेविका डिंपल कुमारी ठाकुर ने हीरा मैरिज हॉल से सिंदरी सागर इमारत तक के रास्ते को हॉकर जोन करने को लेकर अपना विरोध जताते हुए मनपा आयुक्त के पास स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। उन्होंने बताया स्थानिक रहवासी भी विरोध कर रहे हैं और वे भी अपने ऑब्जेक्शन लेटर मनपा में दाखिल कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूर्व नगर सेविका डिंपल कुमारी ठाकुर इस विषय पर क्या बता रही है। देखिए, टर्म खत्म होने के बाद यूएमसी में डिसीजन लेने का जो राइट है वो कमिश्नर सर को है। तो हाल ही में बात ऐसे सामने आई है, हीरा मैरिज हॉल से लेकर सिंदरी सागर तक जो लिंक रोड है वो पूरा हॉकर जोन डिक्लेयर किया गया है। तो इसी पे क्विक ऑब्जेक्शन मैंने भी ली है और जो रेजिडेंट्स रहते हैं उनके तरफ से भी 350 to 400 ऑब्जेक्शंस एक दो दिन में वो सारी जमा हो जाएंगी, वो भी मैं आपको एज अ प्रूफ दे दूंगी। ऑब्जेक्शन ये है कि पहले तो वो एरिया बहुत छोटी है, रेसिडेंशियल है, नीचे शॉप ओनर्स हैं और वहाँ पे अगर हॉकर जोन डिक्लेयर हो गया तो पहली बात तो रेसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्डिंग की एंट्रेंस वहाँ से है, पार्किंग वहीं से होती है और जो शॉप ओनर्स हैं उनका तो क्लियर कट ऑब्जेक्शन है कि हॉकर्स को वो लोग नहीं रुकने दे सकते क्योंकि उनका बिजनेस भी जाएगा। ये बात है। और दूसरी बात, हीरा मैरिज हॉल से लेकर सिंदरी सागर तक अगर आप अभी भी जाके देखेंगे तो डेली रूटीन में ही वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि 40 फीट्स का ही रोड है। वहाँ पर हॉकर जोन डिक्लेयर करना मुझे नहीं लगता है सही डिसीजन है। तो मेरी कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट है कि हॉकर जोन वहाँ डिक्लेयर किया जाए जहाँ पहले ही ट्रैफिक का इशू ना हो, जहाँ पे एरिया अच्छी खासी मिल जाए हॉकर्स को भी। ऐसे किसी बात के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये पीछे हॉकर जोन डिक्लेयर करना एक गलत डिसीजन ही प्रूव होगा क्योंकि पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, सारे रेसिडेंट्स जो भी है सब ने ऑब्जेक्शन उठाई है और मेरी पर्सनली भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन का लेटर मैंने आज ही कमिश्नर को सबमिट किया है। वो कॉपी मैंने आपको दी है, आप चाहे तो वो रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर सर से कि प्लीज़ इसको हॉकर जोन डिक्लेयर ना किया जाए और जो अगर कर दिया है तो प्लीज़ कुछ रिवर्स एक्शन ले इस बात का। थैंक यू। दूसरी जगह तो बताइए क्या वो आदमी? नहीं, वो बताई नहीं है। कमिश्नर सर से पर्सनली मेरी मीटिंग नहीं हुई है। मैं पीए से अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहूँगी ज़रूर और बताना भी चाहूँगी। अगर वो विजिट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, विजिट करें, मैं दिखा सकती हूँ। अगर आप भी अगर कन्वीनियंट हो आप लोगों के लिए भी तो प्लीज़ अभी एट मोमेंट भी आप शूट करके आएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ट्रैफिक होगी बहुत सारी। वहाँ पे अगर हॉकर्स आ गए तो आना जाना लोगों के लिए नॉर्मली भी प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्डिंग्स में पार्किंग और शॉप ओनर्स उनका बिजनेस सब बंद हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर सर से कि प्लीज़ इस डिसीजन पर आप एक बार गौर करें और वापस ले लें ये डिसीजन। थैंक यू। देखिए, उल्लासनगर महानगर पालिका ने हॉकर्स जोन शहर में अलग अलग रास्ते जो भी रखने हैं
वो सब नोटिफिकेशन दी है और आने वाले 30 तारीख तक का समय दिया है। अगर किसी को भी किसी तरीके की कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अभी हमारा जो सिस्टर का वार्ड है, दीदी का, डिंपल कुमारी ठाकुर जी का, पुराना जो पैनल नंबर 9 है, अभी आने वाले समय में वो नया पैनल 7 बना है। तो यहाँ पे जो हीरा मेरे जाल वाला रास्ता है सिंदरी सागर तक वाया कैलाश कॉम्प्लेक्स, ये सारा जोन है जो सेमी कमर्शियल सेमी रेसिडेंशियल जोन है। यहाँ के रहवासियों की काफ़ी टकरार आ रही है कि इस तरीके के हॉकिंग जोन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही कुमारी साहब ने इस चीज़ का संज्ञान लिया, हमें जानकारी मिली, कुछ जागरूक नागरिकों ने भी हमसे संपर्क किया, तो हमने तुरंत एक्शन उठाया। कुमारी साहब ने फटाफट ऑब्जेक्शन लेटर बना के डिंपल ठाकुर जी का आयुक्त को जमा कराया है और एक फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट बना के यहाँ के जितने भी 350 रहवासी हैं, बिल्डिंग के सेक्रेटरीज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, रहवासी हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन सब से वो फॉर्मेट हर फ्लैट में हर दुकान से वो भरवाया जा रहा है ऑब्जेक्शन, और एक पूरा 350 से 400 ऑब्जेक्शंस का बंच बना के फाइल बना के आयुक्त के सामने हम लोग रखेंगे। 40 फीट का रास्ता होने के कारण और रहवासी और वाणिज्य कमर्शियल होने के कारण फर्नीचर बाज़ार का लिंक रोड इससे कनेक्टेड है, काफ़ी आवाजाही है, तो यहाँ पे पोल्यूशन भी होगा, नॉइस पोल्यूशन भी होगा, और बच्चों के स्कूल की वैन्स आती हैं, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, टैंकर सिस्टम है, कभी पानी का समर सीज़न में प्रॉब्लम है, कभी क्या है, वाटर लॉगिंग होती है कभी कभी पानी की, नाला सफाई नहीं होने के कारण, इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम होने की वजह से और ट्रैफिक ऊपर से होगी तो ये पूरा जोन कंजस्टेड हो जाएगा। तो हम लोग ये किसी भी प्रकार से होने नहीं देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और किसी भी तरीके से इसको रद्द करवा के ही रहेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।